वंदे मातरम भाइयों। तो वीरो आज की वीडियो का विषय क्या है? एक्चुअली है क्या, जो बादाम मरकड़ा की वीडियो ना खूब चल रही है, खूब लोग देख रहे हैं, बहुत प्यार दे रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें पूछ रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जो क्वारी आ रही है ना, वो आ रही है कुंडी और सोटा की रिगार्डिंग। अब होता क्या है, मैंने उस वीडियो के अंदर भी बताया है, जो अपने मैदानी क्षेत्र है जैसे कि राजस्थान हो गया और अपना ये जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, तो ये जो क्षेत्र है ना, इन क्षेत्रों के अंदर होता क्या है, कुंडी का प्रयोग नहीं होता, कुंडी बनती नहीं है वहां पे, ठीक है। अब भाई हमारे पूछ रहे हैं कि यार कुंडी हम लाएं कहाँ से, कैसे लाएं, ऑनलाइन मिल जाएगी? तो पहली बात तो ये वीरो, कुंडी में जो पत्थर की होती है बहुत वजन होता भाई, तो ऑनलाइन तो कैसे मिलेगी यार, कौन प्रोवाइड कराएगा इतना भारी आइटम ना, कम से कम 20 किलो 25 किलो वेट होता है इसमें, ठीक है, इतनी नॉर्मल कुंडी भी लोग है। तो कुंडी आपको दो क्षेत्र में सबसे ज्यादा बढ़िया मिल जाएगी, जो है मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेरी जानकारी में। पहली तो आपको महाराष्ट्र कोल्हापुर में बेस्ट काले पत्थर की कुंडी मिलेगी, दूसरी मिलेगी आपको बेस्ट कुंडी मिलेगी कालकाजी में, चंडीगढ़ से थोड़ा सा आगे कालकाजी स्टेशन पड़ता है, काली माता का मंदिर है वहां पे, आप मंदिर के आसपास ही प्रांगण में बहुत सारी दुकानें आपको मिल जाएंगी, ठीक है, तो वहां पे कुंडी आपको मिल जाएगी। अब आपको कुंडी लानी कैसी है, अगर आप पहुंच भी जाए वहां पे कुंडी लेने, तो कुंडी पत्थर की होनी चाहिए और एकदम लोहे की तरह बोलते टन 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 ऐसे बजा के देखो, ठीक है, कोई चूने की भी आपको बना के दे देगा, ठीक है ना, वो नहीं लानी है, पत्थर की लानी है। कुंडी ये पत्थर की होनी चाहिए, इसकी गहराई होनी चाहिए, इसकी गहराई भी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो गहराई होगी तो उससे क्या होगा, दो तीन लोगों की बादाम भी आप अच्छे से बना लोगे, बड़ी कुंडी लेके आना, ठीक है, और बादाम भी फैलती नहीं है। अब रही बात है यार सोटे की, तो सोटा भाई यार मेरे नॉर्मल रहता है, नीम की लकड़ी है, नीम का पेड़ सब जगह होते हैं ज्यादातर, आपको पता है। तो आपने क्या करा, लकड़ी की टाल पे जाना है या फिर आस पास गाँव देहात में आप रहते हो तो वहां पे क्या नीम का पेड़ होगा और वहां पे अरे आप वहां से काट लेना है, लेकिन सोटा आपका हैवी लेना है आपने, ठीक है, सोटा आपने हैवी लेना है ताकि आपकी एक्सरसाइज भी हो जाए। अच्छा, इसका एक फायदा हो रहा है, और फायदा क्या है भाई, फायदा ये है कि जो कुंडी सोटे से बादाम पीसते हैं तो उनकी एक्सरसाइज होती है, उन्हें कभी टेनिस एल्बो की प्रॉब्लम भी कभी नहीं होती है, ये बहुत बड़ा साइंस है, एक एक्सरसाइज भी है बादाम पीसना, आप ये मत समझना। सोटा लेना हैवी तगड़ा सा, ताकि आपकी जब आप अभ्यास करने के बाद में, रियाज करने के बाद में, मेहनत करने के बाद में, वर्कआउट करने के बाद में बादाम बादाम पीसे और आपके लोड पड़े एकदम, तगड़ी मेहनत हो जाए, ठीक है, तो शोल्डर की, एल्बो की, ये सारी एक्सरसाइज आपकी फ्लेक्सिबिलिटी की हो जाती है इसमें। तो ये रही कुछ क्वायरी लोग पूछ रहे थे, मैंने आपको बता दिया, कालकाजी मिल जाएगी या फिर मिल जाएगी आपको कोल्हापुर मिल जाएगी, ठीक है, और हरियाणा के विभिन्न क्षेत्रों में भी मिल जाते हैं, काफी जिलों में मिल जाते हैं, हरियाणा में बहुत ज्यादा प्रयोग होता है इसका, हरियाणा और पंजाब में आपको मिलने के चांस है। चंडीगढ़ वैसे भी हरियाणा में ही है, चंडीगढ़ वहां पे आप जाओगे, चंडीगढ़ से थोड़ा 25 किलोमीटर आपने आगे निकल जाना है, कालकाजी स्टेशन आ जाएगा, मैं कुछ फोटो फोटो भी डाल दूंगा क्योंकि मैं कालकाजी से लेके आया था, ठीक है ना, तो मैं कालकाजी से लेके आया था ये कुंडी, 3-4 साल पहले लेके आया था, कालकाजी से लेके आया था, मैं दो कुंडी लेके आया था एक साथ में, तो एक मैं जहाँ पे जॉब करता हूँ वहां पे पड़ी हुई है रूम पे, और एक भाई घर पे रखी हुई है, ठीक है। और सोटा नीम का लेना है आपने, शीशम का नहीं लेना, कहीं से नीम की लकड़ी लानी है, काट लेनी है और मिस्त्री को बोल के उस पर ऐसे चिकना सा करवा लेना है, और ये घिस अपने आप जाता है यहाँ पे, ठीक है भाई। तो आप वीडियोस को बहुत सारा प्यार दे रहे हो वीरो, तो बहुत बहुत धन्यवाद, इस चैनल को ज्यादा ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करवाओ और दूसरों को करवाओ, ताकि ये पारंपरिक व्यायाम पद्धति, पारंपरिक खाने पीने की खुराक की पद्धति ज्यादा से ज्यादा युवा हमारे जान पाए, वो आर्टिफिशियल तरीकों को ना अपनाएं, उस रास्ते पे ना जाएं जिस रास्ते पे उनको कोई लॉन्ग रिजल्ट मिलने वाला नहीं है, जिसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं, ठीक है ना। अपनी जान को खतरे में मत डालो, आर्टिफिशियल प्रोडक्टों से दूर रहो, भारतीय व्यायाम पद्धति को अपनाओ, और दिखावे का जीवन मत जियो, ऐसा जीवन जियो और ऐसे तगड़े बनो, अपने शरीर में असली जान पैदा करनी है आपने, ठीक है ना भाइयों। तो स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो, मस्त रहो, किसी प्रकार का प्रश्न हो कमेंट हो लिख देना यार, थोड़ी बहुत जो नॉलेज होती है मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा आपसे, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, वंदे मातरम। तो वीरो ये रहा कालकाजी का स्टेशन, मैं गया था 3-4 साल पहले कुंडी लेने के लिए, बहुत ही प्राकृतिक नज़ारा है वहाँ पे देखने को, आप समय निकाल के जाना। मैं तो क्या जॉब के चक्कर में ऐसे ही गया था, मतलब दूसरे दिन जॉब अटेंड करनी थी, रात में हम गए थे ट्रेन से, तो भगदड़ में गए और दिन में देखा जो कुछ देख पाए हम वहाँ पे वो हमने देख लिया नज़ारा, बहुत सुंदर प्राकृतिक जगह है, मैं तो नहीं रुक पाया, ठहर नहीं पाया वहाँ पे, तो आपने जाना आराम से ठहर के प्राकृतिक आनंद लेके आना। कुंडी जो है आपने क्या क्या होगी, वो काली माता जी का जो मंदिर है नीचे ही मिल जाएगी, अभी जो हाइट पे आपको दिख रहा है ना, जब हम वीडियो जो आपको दिख रही है, ये हम आशा पूर्णी माता जी का मंदिर है पहाड़ पे हाइट पे, आपको बहुत मज़ा आएगा, आप जाओ, प्रकृति का जो प्रकृति प्रेम इंसान है उनके लिए बहुत अच्छी प्राकृतिक जगह है, और वहाँ पर जाना, ठीक है ना। फिर रही बात कुंडी की, तो कुंडी आपको मिल जाएगी पत्थर के लेके आने, वो मैंने आपको बता दी, सोटा का भी मैंने बताई दिया आपको सोटा कैसे बनता है। दूसरा कुंडी जब आपको लेके आओ ना, तो कुंडी को डायरेक्ट लाते आपको कभी बादाम नहीं बनाते, उसमें ना आपने ऑयल भर के रख देना है, जब आप उसमें ऑयल भर के रख दोगे ना, जैसे पहले लेके आए उसमें पानी भर के रख देना 2-3 दिन, फिर उसमें ऑयल भर के रखना है 7-8 दिन,
ऑयल भर के लेके आओगे तो वो कुंडी एकदम आपकी मजबूत हो जाएगी, पक जाएगी, मतलब बन जाएगी। फिर उसमें उसे क्या होगा, कभी भी उसका पत्थर घिसेगा नहीं बिल्कुल भी। फिर उसे लकड़ी से आपको पीसो, बादाम बनाओ, दो तीन बार उसमें क्या करना है, उसमें बथुआ या पालक कुछ ऐसा पीस लेना है आपने, और उसके बाद भी कुंडी तैयार। तो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और कोई क्वारी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना।